आपकी आवाज में आप लोग का स्वागत है। आज हमारे संबलपुर के महान आईनजीवी जिन्हें अरविंदो बाबू, हर इनके नाम सुनने से मजिस्ट्रेट से लेके भी हर कोई लोग डर जाते कि अरविंदो बाबू आ गए, अब इनका केस खलास किया जाए। तो सर अभी जिस तरह आप इतने बड़े लॉयर भी हैं, आज जो भाजपा के ऊपर में जो लाइट के ऊपर में दाम पर दाम बढ़े जा रहा है, पावर कट हो रहा है, लोग परेशान है सर। एक तो लोग महंगाई के मारे परेशान, फिर बिजली की महंगाई, करंट लग रहा है 440 वोल्ट का, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहिए सर? अभी देखिए हालात ऐसा है कि पूछो मत, माने अभी थोड़ा सा हवा होने से माने लाइन चला जाता है घंटा भर, फोन करो तो कोई सुनने वाला नहीं है। उसके अलावा आप जितना पावर यूज कर रहे हो उससे ज्यादा बिल आपसे ले रहे हैं, ये कहाँ का नीति है, ये कहाँ का आदर्श है बताइए। अभी आप एक आदमी लाइन लेना चाह रहा है न्यू कनेक्शन, उसके लिए 12,000, 20,000, 15,000 ऐसा हक रहे हैं डिपार्टमेंट जो सर जो तो लेते लेते प्लस ऊपर का पैसा ही बहुत ले लेते हैं सर। ऐसा दुर्नीति मेरा लाइफ में कभी नहीं देखा था। उड़ीसा गवर्नमेंट ये क्या कर रहा है, टाटा पावर को देने के बाद सप्लाई इतना दुर्नीति हो गया है पूछो मत, बात मत में लाइन कट रहा है। अभी बच्चे लोग अभी ऑनलाइन क्लास हो रहा है, अगर लाइन नहीं रहेगा तो बच्चा पढ़ेगा कैसा, ये सब प्रॉब्लम अभी संबलपुर का वासी फेस कर रहे हैं। चलिए सर, इसके लिए पब्लिक वो आके पूरा आंदोलन करना चाहिए। जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमने अरविंद बाबू को सुना, उन्होंने एक ही बात की पब्लिक भी हमें सपोर्ट करे, क्यों हम पब्लिक के लिए लड़ते हैं, लोगों के लिए लड़ रहे हैं। लाइन वाले जो है मनमानी चल रहा है, टाटा वाले का मनमानी चल रहा है, और आने के बाद में किसी के खाते नहीं, पहले सरकारी था प्राइवेट हो गया, अब प्राइवेट वालों को दादागिरी हर किसी के मालूम है कैसा वसूल करते हैं पैसा। अब अरविंद बाबू लगे हैं, देखिए आईनजीवी हैं, बहुत बड़े लॉयर भी हैं, अब उनसे लगने से जरूर कुछ ना कुछ समाधान होगा। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।